Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing redox reaction and this is video lecture number 7. I hope you have already watched part 1 to part 6 before watching part 7. Aaj hum baat karne wale hain balancing of redox reactions. How to balance redox reactions. So, redox reactions ko balance karne ke liye two methods hain. Do method hai. Ek method hai by oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज या डिक्रीज को कैलकुलेट करके हम बैलेंस कर सकते हैं दूसरा जो मेथड है वो है हाफ रिएक्शन मेथड यानी एक रिएक्शन को दो हाफ में बांट करके और फिर उसका इस्तेमाल करके हम बैलेंस करते हैं तो पहला जो मेथड है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस होती है उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वेट करके और हम बैलेंस करते हैं इसलिए उसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं और दूसरा रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस को एक अलग इक्वेशन बना लेते हैं और रिडक्शन प्रोसेस का एक अलग बना लेते हैं क्योंकि दो अलग अलग इक्वेशंस बनाते हैं और दोनों हाफ एक में ऑक्सीडेशन प्रोसेस दूसरे में रिडक्शन प्रोसेस होता है इसलिए उसको कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड दोनों मेथड इस्तेमाल कहीं भी किए जा सकते हैं डिपेंडिंग कि आप किस में कंफर्टेबल हैं जो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उस मेथड से आप कर सकते हैं लेकिन सीखना दोनों ही जरूरी है पहले मेथड जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल करके उसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और उसके कुछ रूल्स हैं तो उन रूल्स को पहले सीखते हैं उसके बाद हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बैलेंस बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो चलिए इस बात को पहले शॉर्ट में लिख लेते हैं कि देयर आर टू मेथड्स रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी बैलेंस by using oxidation number so therefore this method is called oxidation number method right oxidation number method the oxidation in the redox reaction can be balanced separately and a reduction in the equation is balanced separately by splitting the redox in two half equations therefore thus this method of balancing the equation, the redox process is called half equation method, right? तो ये दो बातें होती हैं। यानी रिडॉक्स के लिए हम कह सकते हैं कि एक होता है और दोनों में तो बेसिकली हम कर रहे हैं क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर को ही इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन हम
उसको दो भागों में बांट सकते हैं. सो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कैन हैव टू प्रोसेस. वन दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकेंड इज कॉल्ड हाफ इक्वेशन मेथड. हाफ इक्वेशन मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ इक्वेशन मेथड. ये दो तरीके होते हैं और इस दो तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहा जाता है. हाफ रिएक्शन मेथड, इसमें दो हाफ होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ. इसमें दो हाफ होंगे, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ. रिडक्शन हाफ तो जो कंप्लीट रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उसको दो हाफ रिएक्शन मेथड में, दो हाफ इक्वेशन में हम ब्रेक कर लेते हैं. और एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा रिडक्शन हाफ. दोनों को अलग अलग पहले हम बैलेंस करते हैं और फिर दोनों को जोड़ देते हैं तो पूरा कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस हो जाता है. अब ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसमें कुछ रूल्स है और ये रूल्स जो है वो हमें देखना है कि रूल्स क्या है. उन रूल्स की बात करेंगे. इसमें फाइव रूल्स है और ये फाइव रूल्स जो है 1 2 3 4 5, इन्हीं के आधार पे हमें बैलेंस करना होता है 4 और 5. सबसे पहला रूल के बारे में क्या करना है कि हमें ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन है उनको प्रॉपरली लिखना है. एक ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है, फिर चार्ज को देखना है ध्यान में. ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फिर चार्ज को बैलेंस करना होता है. ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल का ध्यान रखेंगे. वाटर मॉलिक्यूल जरूरत पड़ेगी तो जोड़ेंगे. उसके बाद हाइड्रोजन को और उसके बाद ऑक्सीजन को. फाइनली जो है ऑक्सीजन का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों तरफ बैलेंस है कि नहीं. ठीक है, तो ये पांच जो स्टेप हैं इनके लिए पांच रूल बने हैं और उन रूल्स की बात करेंगे. हमको यही ध्यान रखना है, रूल्स है OCHO. ठीक है, ऑक्सीडेशन चार्ज एंड पहले ऑक्सीडेशन को फिर चार्ज को, वाटर मॉलिक्यूल इन बीच में है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. तो ये चार वर्ड जो है ये काम का है, हमें इसके हिसाब से देखना है. तो आइए पहले रूल्स को सीखते हैं और रूल्स को सीखने के बाद हम कंसिडर करेंगे कि इसको कैसे करना है और कैसे बैलेंस किया जाता है. देखेंगे उसके बाद कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस रूल का इस्तेमाल करके. तो सबसे पहला जो रूल है, रूल्स ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग रेडॉक्स प्रोसेस, रेडॉक्स रिएक्शंस, रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ठीक है, तो ये रूल्स क्या है? जो पहला रूल है वो क्या है? सबसे पहले राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बोथ द साइड्स. दोनों तरफ पहले ये इक्वेशन लिख दें विथ करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला, राइट. उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो क्या है? राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट,
each of the atom, oxidation number of each of the atom, both the sides means reactants and product. दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले लिखते, उसके बाद आइडेंटिफाई द चेंजेज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ द एटम इन द रिएक्शन. ठीक है, ये दूसरा काम है कि सबसे पहले लिखिए करेक्ट फॉर्मूला के साथ केमिकल इक्वेशंस को, और उसके बाद जो है ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिख दीजिए, और सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद जो है देखिए कि किस में चेंज हो रहा है, अगर कहीं चेंज हो रहा है तो उसको नोटिस करना है. उसके बाद क्या करना है हमें कि ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे वो देखना है. ठीक है, उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप जो है उसमें ये करना है कि कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम और आयन ईच एटम और आयन और इवन फॉर कंप्लीट मॉलिक्यूल, राइट. एंड देन इफ दे आर नॉट इक्वल देन मल्टीप्लाई suitable constant to make it equal, right? अब ये जैसे बचपन में करते थे ना, 10th क्लास में जो आपने दो इक्वेशंस होती थी, अगर पहले लिखा है 2x plus 3y plus is equal to 7, दूसरे में लिखा है 3x plus 5y is equal to 9, और आप x को कोफिशिएंट को इक्वेट करना चाहते थे तो क्या करते थे कि पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे और दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो दोनों 6 हो जाते थे. इसी तरह से यहाँ भी कुछ करना पड़ेगा कि अगर वो बराबर नहीं है, इंक्रीज या डिक्रीज बराबर नहीं है दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एटम्स या मॉलिक्यूल्स के लिए, तो हमें एक सूटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उस कोफिशिएंट क्या होगा वाइस वर्सा होगा, इसका उसके साथ, उसका इसके साथ. अभी हम करके दिखाएंगे. दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली बात है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इफ इन एनी इक्वेशन देयर इज ओनली ऑक्सीडेशन दैट इज ओनली इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन दैट इज डिक्रीज ओनली टेक्स प्लेस, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग. क्योंकि दोनों साथ साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो और समथिंग रॉन्ग in writing the formula wrong, in calculating the oxidation number of atoms. ठीक है, तो ये oxidation number और ions इनके जो होते हैं उनमें कोई ना कहीं कोई गलती है. ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर कहीं सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दो या दो से ज्यादा एटम्स जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है,
या उनका सिर्फ रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गलती है जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया है, असाइन किया है एटम्स का, वो कहीं के ना कहीं गलत है या फॉर्मूला सही से नहीं लिखा है, तो पहले उसको चेक कर ले। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसका कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए और देखना चाहिए, ठीक है। अब जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है, जो चौथी बात है वो ये है कि हमें क्या करना है कि रिएक्शन जो होती है वो तीन तरह से होती है, या तो वाटर में होगी, या एसिडिक मीडियम में होगी, या बेसिक मीडियम में होगी। तो अगर वाटर में हो रहा है, इफ रिएक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वाटर टेक्स प्लेस इन वाटर, देन टू बैलेंस चार्ज एड एच प्लस और ओ एच माइनस इन द सुटेबल साइड टू बैलेंस द चार्जेज बैलेंस द चार्जेज चार्जेज राइट। अगर बेसिक मीडियम में है, इफ इट इज इन एसिडिक मीडियम, इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम देन एड एच प्लस आयन टू बैलेंस द चार्ज बैलेंस द चार्ज ठीक है इन सुटेबल साइड दैट इज आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड। अगर रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में हो रहा है, इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम देन एड OH माइनस आयन टू बैलेंस द चार्जेज बैलेंस द चार्जेज ठीक है चार्जेज को बैलेंस इन सुटेबल साइड। ये तीन बातें हो गई, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीन बातों का ध्यान हमें रखना है, और इन तीन बातों का भी ध्यान रखेंगे कि चार्जेज को बैलेंस करना है, यानी सबसे पहले हमें जैसा कि बात किया था कि ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, अब चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल को आप दोनों तरफ देख लेंगे कि कहाँ पर कम है, तो आप वाटर मॉलिक्यूल को इसको बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको जोड़ सकते हैं देखने के लिए कि दोनों तरफ रिएक्शन सेम है कि नहीं। तो पांचवे में हम करेंगे क्या, जैसा कि हमने कहा कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हमने क्या क्या सीखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर को पहले बैलेंस करना है, फिर चार्ज को करना है, दोनों हो गए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ओ एक्स सी एच ओ ठीक है ना। तो अब हाइड्रोजन को टू बैलेंस हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स इन द रिएक्शन एड वाटर मॉलिक्यूल विल दैट इज H2O इन द इक्वेशन 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 इन सुटेबल साइड जिधर कम होगा उधर हम जोड़ देंगे वाटर मॉलिक्यूल। एंड फाइनली सिक्स्थ काम ये कर लेंगे कि चेक द ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन
reactants and products are same in reactants and products are same, then equation is said to be balanced. Then equation is said to be balanced. Balanced. ठीक है, ये काम करना है. ये पांचवे का ही समझ लीजिए कि दूसरा पार्ट है. आप ये समझ सकते हैं कि इसका दूसरा पार्ट है. ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है. तो ये पांच रूल है, हमें इन चार बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, चेंज ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है, बैलेंस करना है, फिर चार्जेज को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. ये पांच रूल आपको याद रहेंगे तो सवाल आसानी से बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है, तो एक दो एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो रूल हमने सीखा है वो किस तरह से लागू है. ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल की बात करते हैं. क्वेश्चन है कि राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन, नेट आयोनिक इक्वेशन, राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. Write the net ionic equation for the reaction. Potassium dichromate reaction for potassium dichromate chromate. 6 react with sodium sulfite Na2SO3. पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्वेशन हमने लिखा, लिख देता हूं अभी. पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 react with sodium sulfite, sodium sulfite Na2SO3 to give chromium 3 ion and sulfite ion in acidic solution. एसिडिक सॉल्यूशन. तो ये हो गया, ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है कि K2Cr2O7 जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है. जी वो रिएक्ट कर रहा है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और इसमें जो है मिलता क्या है, क्रोमियम और सल्फाइड आयन मिल रहा है. अब इसके लिए आपको नेट इक्वेशन, नेट आयोनिक इक्वेशन आपको लिखना है. तो ये जो है ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, सबसे पहले जैसे कि रूल कह रहे थे, रूल में आपको क्या लिखना है, रिएक्शंस लिखने. और रिएक्शंस को पहले, सबसे पहले फॉर्मूला को दोनों तरफ एकदम सूटेबली और करेक्ट लिखना है. हाँ ठीक है, सबसे पहले लिखना है क्या क्या है. द रिएक्शन ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 रिएक्ट विद सोडियम सल्फाइड टू गिव क्रोमियम आयन एंड सल्फेट आयन. ये है सल्फेट आयन. ठीक है, सल्फेट आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन. अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात है, यानी K2Cr2O7, और यहाँ पे सोडियम सल्फाइड की बात है, लेकिन जो आउटपुट है गिव जो है उसमें सिर्फ क्रोमियम और सल्फाइड आयन की बात है. इसका मतलब है कि हम सिर्फ क्रोमियम और सल्फेट की ही बात करेंगे, इसको हम इसमें से नहीं लिखेंगे. तो सबसे पहले इक्वेशन जो लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप जो है स्टेप वन, उसमें हमें लिखेंगे द स्केलेटल इक्वेशन आर द स्केलेटल इक्वेशन इक्वेशन फॉर द रिडॉक्स प्रोसेस इक्वेशन फॉर
the redox process, the redox process are this. क्या Cr2O7 K2Cr2O7 था प्लस Na2SO3 और मिल रहा था Cr3 प्लस, है ना, Cr3 प्लस प्लस SO4 कितना सॉल्यूशन, सल्फेट सॉल्यूशन SO4। तो अब यहां पे हम देखेंगे कि क्या आयन मिल रहा है, सल्फेट आयन मिल रहा है, और सल्फेट की जो है ये तीन चीजें मिल रही, तीन है मतलब क्रोमियम आयन एंड सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में चार्ज क्या होता है, माइनस, टू माइनस। तो ये हो गया हमारा रिएक्शंस। लेकिन अब इसमें से हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चूंकि ये क्रोमियम नहीं चाहिए, ये पोटेशियम नहीं चाहिए और सोडियम नहीं चाहिए, तो आप इनको भी आयन में कन्वर्ट करेंगे। तो इनको आयन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या चार्जेज होंगे, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या चार्जेज होंगे। क्योंकि पोटेशियम का प्लस वन चार्ज होता है, तो जब इसको हम रिलीव करेंगे इसमें से, तो ये होगा Cr2O7, Cr2O7, ठीक है, Cr2O7 टू माइनस प्लस SO3 टू माइनस, क्योंकि सोडियम का भी क्या होता है, सोडियम का भी प्लस वन होता है। अब ये दोनों से मिल करके बनेगा Cr3 प्लस प्लस SO4 टू माइनस। ये हमारा एक आयोनिक इक्वेशन हो गया, जिसमें हमें अब इसको आगे बैलेंस करना है, ठीक है जी। तो इसमें हमने K2 और Na2 की बात नहीं लिखी है, और K2 इसमें से लीव होगा, तो इसमें ये आयन जो बनेगा उसमें 2 की डिफिशिएंसी, 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी रहेगी, क्योंकि पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है और 2 पोटेशियम मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, इसमें मॉलिक्यूल बन रहा होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी दिखाएगा, उसी तरह से सल्फेट में भी 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी दिखाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। और क्यों हमने इसमें K2 और Na2 की बात नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में Na2 की, Na की और पोटेशियम की बात नहीं। तो ये पहला स्टेप था। पहला स्टेप के बाद अब हमें दूसरा स्टेप लिखना है। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, स्टेप कि हम चेंज इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर पहले लिखते थे, कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। अब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिखते हैं, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ, Cr2O7 टू माइनस प्लस SO3 टू माइनस, और ये मिल गया Cr3 प्लस एंड सल्फेट टू माइनस एंड SO4 टू माइनस। अब सबका हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है दोनों तरफ, नॉट ओनली इन रिएक्टेंट बट आल्सो इन प्रोडक्ट एज वेल। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्रोमियम का कितना यहाँ होना चाहिए, ऑक्सीजन का -2 है, आपको पता है फ्री एलिमेंट से -2 है, तो -2 × 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख में लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, -2 अगर क्रोमियम का x मान लें तो 2 क्रोमियम है तो 2x, और ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 × 7, और टोटल आउटपुट क्या होना चाहिए, -2, यानी 2x इज इक्वल टू 12 हो गया, क्योंकि -14 इधर जाके +14 होगा, और -2 +14 12, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, +6। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6। यहाँ पे इसी तरह से सल्फेट का अगर हम करें तो ये हो गया x प्लस कितना -2 × 3 इज इक्वल टू क्या होगा, -2। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो गया -2 + 3 × 6, तो ये हो जाएगा +4। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, +4, ये +3 क्रोमियम का और सल्फेट का, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिखे तो क्या होगा, तो ये भी हो जाएगा x प्लस कितना, -2 × 4 - 8 इज इक्वल टू -2, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 + 8 इज इक्वल टू +6, तो ये भी हो गया +6। अब इसका 3 है ये। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो रहा है, ये +6 से घट के -3 रह गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ठीक है, डिक्रीज हुआ। और यहाँ पे सल्फेट का +4 से बढ़ के कितना हो गया बताइए, ये देखिए +4 से बढ़ के +6 हो गया, तो यहाँ हुआ इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ जी, डिक्रीज जो हुआ वो कितना हुआ,
तो ये हो गया 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और इंक्रीज जो हुआ वो कितना हो गया, वो हो गया 4 प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 2 का इंक्रीज हो गया, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ये इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे 4 से बढ़ के 6 हो गया, 2 का इंक्रीज हुआ, और यहाँ 6 से घट के 3 हो गया तो 3 का डिक्रीज हो गया। अब इसमें 3 है डिक्रीज और इसमें 2 इंक्रीज है, इंक्रीज वाला 2 है डिक्रीज वाला 3 है, तो दोनों बराबर तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि दोनों बराबर नहीं है, तो क्या करना चाहिए। अब बराबर नहीं है तो इसके कोफिशियंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर करने के लिए जैसा कि मैंने पहले कहा हुआ है कि इसके कोफिशियंट को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से, और इधर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से, तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको बैलेंस लिखने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर को, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको, यानी अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से क्रोमियम अकेले है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 क्रोमियम है, इसलिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब नो मल्टीप्लाई करना। और सल्फेट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, इसलिए यहाँ पे 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह का बैलेंस होने के बाद हो गया, इक्वेशन जो हुआ वो बैलेंस होने के बाद कुछ इस तरह का हो गया। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर हमने बैलेंस कर दिया और ये हो गया पूरा का पूरा इक्वेशन कुछ इस तरह का कि Cr2O7 प्लस 3SO3 प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया पूरा का पूरा इक्वेशन Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, और प्लस 3SO4 SO4 2 माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू मीन्स एओ दे करके 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस 3SO4 2 माइनस। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर को हमने बैलेंस कर दिया जी, अब हमें बैलेंस करना है किसको, चार्ज को, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर को तो बैलेंस कर दिया, अब चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना है LHS में, पहले ये जो रिएक्टेंट का चार्ज, बैलेंसिंग चार्ज, चार्ज ऑन रिएक्टेंट्स, चार्ज बैलेंसिंग चार्ज यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है चार्ज टोटल माइनस 2 प्लस, यहाँ पे 3 इंटू माइनस 2 चार्ज रिएक्टेंट्स के चार्ज, चार्ज ऑन रिएक्टेंट्स टोटल चार्ज 3 इंटू माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 6 प्लस माइनस 2 कितना है माइनस 8, ये टोटल चार्ज इधर है माइनस 8 चार्ज ऑन LHS, LHS समझ लीजिए कि इतना है। चार्ज ऑन RHS कितना है, चार्ज ऑन RHS राइट हैंड साइड दैट इज प्रोडक्ट साइड, ये है 3 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू प्लस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2, 3 आइटम है, 3 मॉलिक्यूल है और एक पे माइनस 2 चार्ज है, तो 3 मॉलिक्यूल पे माइनस 6 प्लस 6, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0, इधर क्या है माइनस 8, तो लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज जो है वो माइनस 8 है जबकि राइट हैंड साइड में चार्ज क्या है 0, ये बराबर तो है नहीं, कोई भी नहीं कह सकता कि भाई ये बराबर है। तो आपको एक बात सिखाया था कि अगर चूंकि सॉल्यूशन जो हो रहा था, ये रिएक्शन जो हो रहा था वो एसिडिक मीडियम में हो रहा था, और हमने रूल में सिखाया था कि ये चूंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है और एसिडिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम एच प्लस आयन जोड़ते हैं, तो किधर एच प्लस आयन जोड़ेंगे, एच प्लस आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ये माइनस 8 है, अगर इसमें हम 8 एच प्लस आयन जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए इस साइड में हमें एच प्लस आयन वी हैव टू बिकॉज इट इज माइनस 8, सो टू बैलेंस चार्जेज वी नीड टू एड एच प्लस आयन आयन, राइट ना। तो एच प्लस आयन यहाँ 8 एच प्लस आयन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 एच प्लस आयन जोड़ने से ये भी 0 हो जाएगा, इधर के चार्जेस भी 0 हो जाएंगे, इधर के 0 हो जाएंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा।
कोई भी रकम हो सकती है, जीरो होना जरूरी नहीं है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो अब ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा Cr2O7 2-, ठीक है, 2-, बार बार इसको लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, SO4 2- प्लस 8H+ आयन इज गिविंग दैट 2 Cr3+ Cr3+, ठीक है, एंड प्लस 3SO4 2-। अब चार्ज जो है वो बैलेंस हो गया। अब क्या हमें चाहिए, हमने कर दिया था, ध्यान से देखिए पीछे हमने क्या सिखाया था आपको कि करना है ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर चार्ज, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने चार्ज कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया, अब चार्ज भी बैलेंस हो गया, अब क्या देखना है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को अब बैलेंस करने के लिए देखेंगे हाइड्रोजन कितनी है, इधर में हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एट हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है नहीं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या हमने सिखाया है कि वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं 2 और हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए 8, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल प्लस करने पड़ेंगे 4 4 2 8, सो 8 वाटर मॉलिक्यूल टू बैलेंस द हाइड्रोजन। इट मींस हियर हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आई नीड टू ऐड, वी नीड टू ऐड 4H2O, 4H2O जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएंगे। अब 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, अब क्या चेक करना है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन चेक करना है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 7 और यहाँ पे 4 3 12, चेंज द ऑक्सीजन इन LHS, ऑक्सीजन यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 4 × 3 दैट इज 12, सो 12 + 7 कितने हो गए, 12 + 7 19 हो गए, 19 ऑक्सीजन इधर हो गया LHS, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है LHS में 19 है, RHS में ऑक्सीजन कितना है जी देखें, यहाँ पे है 4 × 3 12 + 4 × 1 दैट इज 4 3 12 + 4 16, 16 ऑक्सीजन है, इधर है कितने 7, 4 3 12 + 7 अब ये हो रहा है 19, ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये चेक करने वाली बात है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है। तो जब आप ये चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये क्या था, ये सल्फाइट आयन था और ये सल्फाइट आयन में SO3 था, तो यहाँ पर भी ये क्या होना चाहिए SO3 होना चाहिए, गलती से SO4 लिखा गया, अब ये SO3 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी क्या होगा SO3 होगा, तो SO3 होगा तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे SO3 होगा और 3 × 3 होगा यहाँ पे, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 3 × 3 9 + 7 16 और इधर भी आ गया 16, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन वैलिडेट हो गया, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बराबर है, अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये रिएक्शन लिखेंगे क्या, Cr2O7 2- + 3SO3 2- + 8H+ और ये देगा 2 Cr3+ 3+ + 3SO4 2- + 4H2O और ये बैलेंस, दिस इज बैलेंस इक्वेशन, दिस इज बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन, ये हो गया, समझ आया। तो इस तरीके से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पर मैग्नेट आयन रिएक्ट विथ ब्रोमाइड आयन पर मैग्नेट आयन रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइड आयन्स टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमाइड आयन इन बेसिक मीडियम राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर इट। अब इसके लिए बैलेंस इक्वेशन आपको लिखना है,
permanganate ion react with bromide ion to give manganese dioxide and bromide ion in basic medium. अब इसके लिए हमें क्या लिखना है? इसके लिए लिखना है write the balance equation for it. Balanced equation for the redox reaction. For redox reaction process. ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है राइटली सही सही फॉर्मूला लिखना है. तो स्टेप वन के हिसाब से हम क्या करें, सबसे पहले फॉर्मूला लिखें पर मैग्नेट आयन बेसिक पर मैग्नेट आयन रिएक्ट्स विद ब्रोमाइड एंड टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन. ब्रोमेट दिस इज नॉट ब्रोमाइड बट ब्रोमेट आयन. ब्रोमेट आयन राइट in basic medium. Write the balance equation for this. So MnO4 पहला स्टेप है क्या, हमें सही सही फॉर्मूला लिखना है. तो MnO4 माइनस प्लस ब्रोमाइड आयन Br माइनस से बन रहा है Mn मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस ब्रोमेट आयन BrO3 माइनस ये बन रहा है. ये लिखा है पर मैग्नेट आयन यानी MnO4 रिएक्ट विद ब्रोमाइड आयन Br माइनस गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड सो दिस इज मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन BrO3 माइनस. अब इसको बैलेंस करना है हमें. तो हमने सबसे पहले ये इक्वेशन लिख दिया. अब हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखने के बाद जो स्टेप टू होता है उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है. तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखें स्टेप टू, क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखें. तो ऑक्सीजन का यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे फिर वही वाली बात कि ये ऑक्सीजन का -2 × 4 -8 और ये -1 है तो -1 तरफ -8 जाके क्या हो जाएगा +7, तो इसलिए इसका हो जाएगा +7. यहाँ पे है ये -1 है ना, यहाँ पे इसके क्या है -2 तो -4 तो ये हो गया +4. और ये ब्रोमीन का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ये हो गया -2 × 3 -6 उधर जाके क्या होगा +6 तो -1 + 6 क्या हो जाएगा +5 तो यहाँ पे हो गया +5 और यहाँ पे क्या है -1 तो -1 से +5 हो रहा है और यहाँ पर 7 से 4 हो रहा है. तो अब इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेंगे कि MnO4 माइनस ठीक है और यहाँ पे Br माइनस इज इक्वल टू MnO2 प्लस BrO3 माइनस और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में जो लिखा हमने 7 से बढ़ के क्या हो रहा है 7 से घट के 4 हो रहा है. तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, कितने का डिक्रीज हो रहा है जी यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है -1 से बढ़ के कितना हो रहा है +5 तो यहाँ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, इंक्रीज जो हो रहा है वो 5 -1 यानी कितने का हो रहा है 6 का इंक्रीमेंट हो रही है -1 से +6 का इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ 7 से 4 तो डिक्रीज कितना हो रहा है 7 - 4 = 3 तो 3 का डिक्रीज हो रहा है और यहाँ 6 का इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए 6 इसको भी करना चाहिए तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा है ना. तो यहाँ पे Mn अकेला है, यहाँ पे भी Mn अकेला है यानी हमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा कि 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस ठीक है प्लस 2 = 2Mn क्या हो जाएगा 2MnO2 ठीक है प्लस BrO3 माइनस ये हो गया हमारा. अब एक इक्वेशन हो गया जो कि हमने लिख दिया. अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बैलेंस हो गया. अब क्या करना है हमें, अब चार्ज को बैलेंस करना है.
तो चार्ज देखो कितना कितना है, यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे एक मोलिक्यूल पे -1 चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज हो गया टोटल कितना -2, और यहाँ पे है चार्ज -1, तो टोटल चार्ज कितना हो गया इधर -3, इधर में चार्ज कितना है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है 0, और यहाँ पे चार्ज कितना है -1, 0 प्लस -1 यानी -1, तो ये इधर की तरफ चार्ज है -3, इधर की तरफ चार्ज है -1, और चार्ज को बैलेंस करना है यानी इधर -2 की और जरूरत है, अगर हम कहें इधर -3 करना हो तो -2 की जरूरत है। अब -2 क्या करते हैं, ये चूंकि सॉल्यूशन आपने क्वेश्चन में पढ़ा है ये बेसिक मीडियम में है, तो बेसिक मीडियम में सॉल्यूशन में हम चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, OH- करते हैं, है ना, OH- जोड़ते हैं, तो इधर की तरफ कितना OH और चाहिए हमें, 2OH- चाहिए, ताकि ये -2 चार्ज और होके क्या हो जाएगा -3, और इधर भी क्या हो जाएगा -3। तो इस तरीके से हमें बेसिक मीडियम, चूंकि सॉल्यूशन बेसिक मीडियम में है इसलिए हमें OH- आयन जो है वो प्लस करना चाहिए चार्ज को बैलेंस करने के लिए सूटेबली, ये हमने बोला था और यही हमने किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2MnO4-, इधर भी -3 हो गया, इधर भी -3 हो गया, आप देखिए तो ये मिल करके टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो गया ये -3, तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया चार्ज, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस कर लिया चार्ज। अब फिर क्या हमने बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर लिया, चार्ज को बैलेंस कर लिया, उसके बाद क्या बैलेंस करना होता है, ओ ऑक्स सी एच ओ हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहिए, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर कितने हाइड्रोजन है बताइए, इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इधर कितने हाइड्रोजन है, 1 भी नहीं है, इसका मतलब अब वाटर मॉलिक्यूल हमें प्लस करना चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल प्लस करेंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा कि 2MnO4 प्लस Br- प्लस H2O गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3- प्लस 2OH-, ये हो गया, अब चार्ज भी बैलेंस हो गए और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब हमें क्या वैलिडेट करना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर बैलेंस हो गया तो इसका मतलब हमारा इक्वेशन सही है। अब ऑक्सीजन को वैलिडेट करें, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन इंटू 2, 2 गुने 4 कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन, और प्लस 1 ऑक्सीजन, 8 प्लस 1 कितने हो गए, 9 ऑक्सीजन, LHS में टोटल ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए LHS में 9, और इधर की तरफ ऑक्सीजन इन LHS, LHS में 9 हो गए, और ऑक्सीजन इन RHS, ऑक्सीजन इन RHS, ये लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा जा रहा है। यहाँ पे कितने हैं बताइए, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 मॉलिक्यूल में कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन, प्लस 3 ऑक्सीजन यहाँ है, ये हो गए, और यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो 4, 3, 7, 2, 9 ऑक्सीजन इधर भी है, 9 ऑक्सीजन इधर भी है, यानी ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बराबर है, इसलिए ये अब पूरी तरह से बैलेंस इक्वेशन कहा जा सकता है। और अब ये इक्वेशन इस तरह से बैलेंस हो गया कि MnO4- प्लस Br- गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3- प्लस 2OH-, और इधर हमने H2O भी जोड़ा था ना, हाँ H2O भी है, इधर H2O भी है, H2O gives this, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन, दिस इज अ बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, अब मोटे तौर पे मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि पूरा का पूरा जो इक्वेशन है, चार पांच छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहला ये कि सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना है, दूसरा ये कि ऑक्सीडेशन नंबर सबके लिखना है प्रॉपरली, वो लिखने का तरीका आपको मालूम है, हमने पहले बता रखा है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिसके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है, उसके मदद से उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें यूजुअली मालूम नहीं होता, और उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल करके देख लेंगे कि किसमें इंक्रीज हो रहा है और किसमें डिक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर।
अब ये दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए सूटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर जब बैलेंस हो जाता है तो दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस करते हैं। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर वाटर में हो, रिएक्शन वाटर में हो रहा हो, तो हम H प्लस या OH माइनस कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हैं सूटेबली। या अगर एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो हाइड्रोजन प्लस H प्लस आयन हम बैलेंस चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्लस करेंगे सूटेबली, जिधर जरूरत होगी उधर। और अगर बेसिक मीडियम में हो तो OH माइनस आयन हम प्लस करते हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर लेंगे, चार्ज को बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को, चूंकि ये OH माइनस या H प्लस अब जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन तो बढ़ेगा, तो उस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है, जितनी हाइड्रोजन दोनों तरफ होनी चाहिए उसके लिए जितने वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत है उतना हम जोड़ देंगे, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। और हाइड्रोजन बैलेंस होने के बाद हम दोनों तरफ देख लेंगे, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर गड़बड़ है, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में दिया था। और ऑक्सीजन भी दोनों तरफ अगर बराबर है, इसका मतलब इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, और उसको हम कहेंगे कि ये बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन है। थैंक यू। तो इस तरीके से आप समझ गए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए इसको, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली क्लास में फिर हमारी मुलाकात होती है, और उस क्लास में हम बात करते हैं कि हाफ रिएक्शन मेथड से कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। और तब तक आप इसके आधार पर कुछ इक्वेशन बैलेंस करके खुद देखिए, और अगली क्लास में जब हमारी मुलाकात होती है तो हम हाफ रिएक्शन मेथड पर बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, नो नीड टू से बट स्टिल आई एम सेइंग दिस, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी बताइए, और इसी तरीके से अपना प्यार उठाते रहें, बरसाते रहें, और हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। कीप वॉचिंग।